छत्तीसगढ़ सरकार अगले महीने से बिजली की दरों में फिर से बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसे लेकर बुधवार को पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रेस वार्ता लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्हें कहा कि सरकार ने पिछले 3 महीने में बिजली की दरों में 15.25% की बेतहाशा वृद्धि की, जबकि सीएम ने दावा किया था कि इस साल बिजली दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन सीएम की घोषणा के 3 महीने बाद ही बिजली दरें बढ़ा दी गई, जिससे किसान, आम जनता, व्यावसायिक सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। सीधा असर उन पर पड़ रहा है। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि स्टील सेक्टर को 1 अगस्त से सब्सिडी देना भी बंद कर दिया गया। पूर्व मंत्री ने आगे कहा कि सीएम बार बार बिजली उपभोक्ताओं से झूठ बोल रहे हैं, सरकार के झूठ और लूट के बाजार को जनता बंद करेगी। सभी वर्गों के बिजली पर 15% बढ़ोतरी के संबंध में ये सरकार जो पिछले अप्रैल महीने में इस बात का दावा की थी कि इस साल बिजली में कोई बढ़ोतरी नहीं कर रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था। मुख्यमंत्री जी का दावा 3 महीने में ही अपने आप समाप्त हो गया।